आश्चर्य है कि डिप्टी सीएम पद और जो मिनिस्ट्री है उनके मंत्रालय की भी जांच होनी चाहिए भाई। जिस प्रकार का मामला आ रहा है 53 करोड़ रुपए, तो एक्सप्लेन करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर टेंडर का बंडर बांट करने का आरोप लगा है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ कहा है कि जिस तरीके से इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार से लिप्त है, और इसको लेकर उन्होंने यह कहा है कि आने वाले समय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और मौजूदा जो सरकार है, जो जिस तरह से कटिहार में जो बंदरबांट हुआ है टेंडर का, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा है बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी। सुनिए उनका पूरा बयान। आया है डिप्टी सीएम बिहार के हैं तारकिशोर प्रसाद जी, उन्होंने टेंडर में बंदरबांट करते हुए 53 करोड़ रुपए को दे दिया है। देखिए एक बात समझिए, इस मौजूदा सरकार में एक ही काम हो रहा है, सरकारी खजाने को लूटो, जनता के अधिकार को लूटो, गरीब के अधिकार को लूटो, आपदा पीड़ितों के अधिकार को लूटो, केवल केवल ऊपर से नीचे केवल केवल भ्रष्टाचार ही आपको नजर आएगा। और ये मामला तो हमारे कटिहार जिले में जो प्रत्याशी रहे हैं, हमारा संगठन है, उनके पास तो तारकिशोर जी के सारे चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये मामला जो उनके बेटे और बहू को 53 करोड़ रुपए काम देने की है, ये तो जांच का विषय है। इसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। और आप बताइए, हमने देखा बीजेपी के लोगों को कि बिजनेस करना जो है कोई अपराध नहीं, मतलब बीजेपी के लोग करें कुछ भी तो दूध का धुला हुआ लोग। आश्चर्य है कि इस डिप्टी सीएम पद और जो मिनिस्ट्री है उनके मंत्रालय की भी जांच होनी चाहिए भाई। जिस प्रकार का मामला आ रहा है 53 करोड़ रुपए, तो एक्सप्लेन करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। और देखिए, बीजेपी के विधायक नहीं कहा था कि बीजेपी के मंत्री बिना घूस लिए हुए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते, क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं की है। नीतीश कुमार जी मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। सृजन घोटाला का फाइल खुल जाता है, नीतीश कुमार जी छुप जाते हैं, डुपक जाते हैं। नीतीश कुमार जी कोई एक्शन ले ही नहीं सकते, नीतीश कुमार जी की बस की बात है ही नहीं। तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री है, बैसाखी पर है, उन्हीं की बात अगर की जाए तो उन्हीं के लोग जो हैं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। चाहे सृजन घोटाला हुआ हो, बालिका गृह कांड हुआ हो, 7 निश्चय घोटाला हो, इसमें देखिएगा कई काम जो है, 7 निश्चय का भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि केवल जनता दल यूनाइटेड के लोगों को चुन चुन करके जो है ठेका पट्टी दिया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर मसला है, इसमें डिप्टी सीएम पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अंतरात्मा को अपनी जगानी चाहिए।